नमस्कार दोस्तों, बजट 2023 से एक इंपॉर्टेंट विषय जो उभर करके आया कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी एसएससी का टैक्सेशन कैसे होगा, न्यू टैक्स रिजीम में जो बदलाव हैं उनका किसी भी सामान्य करदाता पर क्या इंपैक्ट होगा, और इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया कि समझिए 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आयकर नहीं लगेगा। इस संदर्भ में दोस्तों कल यानी 1 फरवरी 2023 को मैंने एक वीडियो बना के अपलोड करी, आप लोगों का उसे अपार समर्थन मिला, अब तक लगभग 27,000 प्लस उसके व्यूज हो गए। पर उन 27,000 व्यूज में मुझे ये चीज कमेंट के रूप में देखने को मिली कि इस रिजीम में जो चेंजेस प्रपोज्ड हैं उन पर बहुत सारे क्वेश्चन पब्लिक एट लार्ज में कंफ्यूजन के रूप में शामिल हैं। अब इन कंफ्यूजन्स को कैसा दूर किया जाए, ये क्वेश्चन मेरे सामने था, तो मुझे लगा कि चलिए एक काम करते हैं, जनता ने जो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछे क्यों ना मैं उन्हीं को हाईलाइट करते हुए कुछ FAQs प्रपोज न्यू टैक्स रिजीम पर बनाऊं और आप सबके लाभार्थ आप सबके बेनिफिट के लिए उन पर चर्चा करूं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं उन्हीं FAQs को जो जनता ने मुझसे पूछे हैं उन पर अपने व्यूज देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं क्वेरीज के रूप में कि मुझे क्या क्वेरीज आई हैं, हो सकता है मैं पर क्वेरी जवाब दे दूं आपको या हो सकता है 2-3 क्वेरीज को एक साथ लेते हुए जवाब दूं। पहला क्वेश्चन रख रहा हूं, मिस्टर नवीन मेहता की ओर से आया, कैन आई क्लेम डिडक्शन अंडर ATU फॉर माई 100% डिसेबलमेंट इन न्यू रिजीम। मैं अभी के लिए दोस्तों इसका आंसर नहीं दे रहा, इसका लॉजिक डेवलप करूंगा आगे लॉ से, फिर नवीन जी आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा और ऐसा ही क्वेश्चन और करदाताओं का भी हो सकता है। अब बात करूंगा दोस्तों अगला क्वेश्चन, स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू एंड ओल्ड आर इन बोथ आर नॉट, मतलब दोनों के अंदर या नए के अंदर पुराने के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इस पर भी मुझे आपसे चर्चा करनी है। फिर सुनिए और दो क्वेश्चन आए मेरे पास, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 नए टैक्स स्लैब में नहीं बताया गया है, ये आप गलत बता रहे हैं, नए में कोई बेनिफिट नहीं है। तो बहुत से लोगों को यह भी लग रहा है कि अनु भाटिया गलत बोल रहा है, स्टैंडर्ड डिडक्शन नए में नहीं मिलेगा, ठीक है इस पर चर्चा करूंगा सर अभी। स्टैंडर्ड डिडक्शन न्यू स्कीम में नहीं मिलेगा, ये एक और जगह मुझे कमेंट में बात आई, मुझे लगा इस विषय पर बहुत क्लैरिटी की जरूरत है और मैंने कहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया वो भी आपके सामने रखता हूं। अब सुनिए दोस्तों, अब आपके सामने अपनी बात को पक्का करने के लिए सीमेंट करने के लिए यह बात रख रहा हूं कि सेक्शन 115BAC वो सेक्शन न्यू रिजीम की बात करता है, इसी में एक सबसेक्शन 1 है, फिनेंस बिल 2023 प्रस्तावित कर रहा है और सबसेक्शन 1 है इंसर्ट करेगा। सबसेक्शन 1 की लैंग्वेज क्या होगी जरा समझने की कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा दोस्तों आपके लिए, लेकिन मैं क्योंकि लॉ से बिना सपोर्ट लिए आपको प्रूव नहीं कर सकता इसलिए लॉ पढ़ने की हिमाकत कर रहा हूं। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, इनकम टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF और एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट और एन आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 2 क्लॉज 31 other than person who has exercised an option under subsection 6 for any previous year relevant to the assessment year beginning on or after 1st day of April 2024 shall be computed at the rate given in the following table. तो ये एक टेबल इंसर्ट हो गई जो कल मैंने एक वीडियो के थ्रू भी आपसे चर्चा करी कि सर पहले 7 डिफरेंट टेबल के रोज थे, अब उन्हें 6 कर दिया, कौन से 6 हैं आपके सामने वो भी रखता हूं। ये देखिए सर कि 3 लाख रुपए तक आपको नील टैक्स लायबिलिटी, 3 लाख से ऊपर 6 लाख तक आपको 5%, 6 लाख से 9 लाख के बीच की इनकम पर 10%, 9 से 12 पर 15%, 12 से 15 के बीच में 20% और 15 से ऊपर की आय पर आपको 30% टैक्स लगेगा। ये रिवाइज न्यू स्लैब रेट है, ठीक है, ये मैंने केवल अभी आपके सामने लॉ में रिवाइज न्यू स्लैब कैसे इंसर्ट हुई सबसेक्शन 1A के थ्रू जो 115BAC में आएगा ये बात रखी है, अभी मैंने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया उस पर आगे लिए चलता हूं। अब आइए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है वो ये कि यहां पर इन्होंने मैंने आपके साथ में ओल्ड प्रोविजन रखा कि एक सबसेक्शन 2 है सेक्शन 115 BAC में,
ये क्या करता है दोस्तों, ये डिसअलाउ करता है सर्टेन डिडक्शंस को व्हाइल यू आर क्लेमिंग इनकम अंडर न्यू टैक्स रिजीम। ये सबसेक्शन टू ओल्ड वन तो यहां लिखा है और न्यू वन क्या होगा वो यहां लिखा है। मैं आपके रेफरेंस के लिए पढ़ता हूं, आपको क्लैरिटी इसी पढ़ने से आएगी। देखिए पहले लिखा था फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन वन, क्योंकि पहले ओल्ड रिजीम में टैक्स लायबिलिटी लगती थी, फिर उसके लिए 115 बीएसी ऑप्शन आया जिसमें बोला गया कि सबसेक्शन वन पुरानी वाली टेबल जो वित्त वर्ष 22-23 तक लागू है, फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन वन टोटल इनकम ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ शैल बी कंप्यूटेड विदाउट एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन अंडर प्रोविजंस ऑफ क्लॉज 5, क्लॉज 13A, क्लॉज 14, क्लॉज 17(32) ऑफ सेक्शन 10। तो इसलिए हमने ये इंटरप्रिटेशन निकाली कि आपको एचआरए एलटीए वगैरह के या अदर अलाउंसेस के डिडक्शन नहीं मिलेंगे सैलरी इनकम में से। आगे बोला और सेक्शन 16, पुराना प्रावधान है सर, सेक्शन 16 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, तो सेक्शन 16 में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। पहले सेक्शन 16 में न्यू स्लैब रेट जो पहले प्रिवेल कर रही थी वित्त वर्ष 22-23 तक के लिए, सेक्शन 16 कतई मना था, और क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 24 सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पर 2 लाख का जो हम इंटरेस्ट का क्लेम लेते हैं वो भी पूर्णतः मना था। इसके साथ साथ सर फैमिली पेंशनर को भी सेक्शन 57 से रिलेटेड डिडक्शन जो मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन वो मना था, और क्या मना था, चैप्टर 6 है जिसमें आप लोग ATC, ATD, ATTTA, ATTTB, ATU ये सारे डिडक्शन मना थे। अब जरा देखिएगा सर फिर क्या हुआ, नया वाला जो सबसेक्शन 2 प्रपोज्ड है उसमें लॉ बात कर रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, क्योंकि अब जो नई टेबल आ रही है वो सबसेक्शन 1 से आ रही है। The total income of the person referred to therein shall be computed without any exemption or deduction under provisions of clause 5, 13A, 14, 17, 32 of section 10. यानी वो equivalent है। आगे बड़े ध्यान से देखिएगा। और clause 2 और clause 3 of section 17. I again invite your kind attention, my dear friend. पहले section 16 पूरी तरह से disallowed था। अब section 16 में क्या disallowed है? Clause 2 और clause 3. तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लॉज 1A एक्चुअली क्या है दोस्तों, अभी आगे ये भी प्रूव करूंगा कि 16 में 3 क्लॉजेस है, क्लॉज 1A, क्लॉज 2 और क्लॉज 3। क्लॉज 1A उड़ा दिया इन्होंने, उड़ा दिया मतलब उसे डिसअलाउ नहीं किया। इससे मैंने इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करी कि ओके इसका मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिल जाएगा। यहां से मेरी बात को मिलता है बल कि हां साहब ये 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। आगे देखिए सर 24 क्लॉज भी फिर मना कर दिया। तो अब मैं नहीं कह रहा ना आपको कि सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे 2 लाख रिवाइज न्यू स्लैब में मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। क्यों मिलेगा, क्योंकि लॉ ने मना किया है। आगे सेक्शन 32 वगैरह के डिडक्शन डिसअलाउ किए और देखेंगे सेक्शन 57 क्लॉज 2 मना नहीं किया, यानी जिसको फैमिली पेंशन आती है उसे अब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सेक्शन 57 क्लॉज 2 में मिलता वो भी मिलेगा। और फिर आगे देखिए चैप्टर 6 से फिर मना कर दिया, तो चैप्टर 6 से मना कर दिया, तो इसका मतलब रिवाइज न्यू स्लैब रेट के अंदर भी आपको किसी भी प्रकार से वो ATC, ATD, ATDD, ATU, ATTTA, ATTTB, ATE जो भी डिडक्शन आप लेना चाहे वो फर नहीं मिलेंगे। केवल आपको अग्निवीर फंड में जो कंट्रीब्यूशन यदि कोई करेगा एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, उसके डिडक्शन की बात की गई। तो यहां पर आकर के ये बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है दोस्तों के स्टैंडर्ड डिडक्शन मेरी ओपिनियन में मिलना चाहिए अंडर द न्यू रिजीम। और इससे एक व्यवस्था यह भी आएगी कि फिर तो आप कहेंगे अनुप जी 7 लाख नहीं 7.5 लाख तक की इनकम पर सैलरीड पेड पर्सन को टैक्स नहीं लगेगा। मेरी यह इंटरप्रिटेशन है, अगर मैं इस इंटरप्रिटेशन में गलत हूं तो भारत सरकार को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा, अदरवाइज मैंने जो इंटरप्रिटेशन लॉ के सपोर्ट से निकाली है आई होप दोस्तों इससे मैं आपको कन्विंस करने में सक्षम होऊंगा। अब दोस्तों मैं आपके सामने सेक्शन 16 के भी प्रावधान रख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा कि सेक्शन 16 में मैंने अभी बोला आपको कि 3 क्लॉजेज हैं। 1A, द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी शैल बी कंप्यूटेड आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग डिडक्शन, अ डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज और द अमाउंट ऑफ सैलरी विच एवरेज लेस, 50,000 या एक्चुअल सैलरी उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट कुछ जगहों पर प्रोफेशनल टैक्स लगता है उसका डिडक्शन मिलता है। अब आपने अभी अभी मेरे साथ में देखा है पीछे कि क्लॉज 2 और क्लॉज 3 रिवाइज न्यू रिजीम में मना कर दिए, लेकिन 1A तो नहीं मना किया ना दोस्तों। इससे मेरी इंटरप्रिटेशन को बल मिल गया कि हां साहब 50,000 मिलेगा। अब एक और क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाटिया जी 15,50,000 या उससे ऊपर की इनकम पर
वित्त मंत्री महोदया ने कहा है कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन 52,500 देंगे। बिल्कुल कहा है सर, मैंने भी सुना है, अपने कानों से सुना है, उन्हें बोलते हुए सुना है। लेकिन मुझे पूरे फाइनेंस बिल के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां यह अमाउंट क्वांटिफाई की गई हो, ना तो मेमोरेंडम में और ना ही फाइनेंस बिल में। तो इस विषय पर भी भारत सरकार को क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि साहब ये 52,500 का फिगर क्यों मिल रहा है ना, 15,50,000 से ऊपर, क्योंकि फाइनेंस बिल में मेरे को कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिला। हो सकता है मैं गलत हूं तो मुझे भारत सरकार करेक्ट कर देगी। और भारत सरकार ने यह भी मना नहीं करा कि 15,50,000 से कम वाले को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 नहीं मिलेगा, उसकी इंटरप्रिटेशन मैंने उठा ली। अब अगर मैं गलत हूं तो भारत सरकार को अमेंडमेंट करना पड़ेगा या मुझे क्लैरिटी देनी पड़ेगी। तो मैं जो इंटरप्रिटेशन दोस्तों यहां निकाल रहा हूं वो जनता जनार्दन के फेवर में इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि मैं लॉ से सपोर्ट ले रहा हूं, और अगर मैं गलत हूं तो सरकार को मुझे सही लॉ पढ़ाना चाहिए ताकि मैं अपनी इंटरप्रिटेशन को सही कर पाऊं। और कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो थे, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन तो आपसे किया, लेकिन अभी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कमेंट्स में आए जिनका एक एक करके आंसर देता हूं। सर प्लीज टेल मी दैट इंटरेस्ट अंडर 80 TTB ऑफ ₹50,000 विल बी कैलकुलेटेड और नॉट। बड़ा क्लियर है सर, अगर आप ओल्ड स्कीम में चलेंगे तो आपको 80 TTB मिलेगा सीनियर सिटीजन के रूप में, और अगर आप न्यू स्कीम में चलेंगे, चाहे एग्जिस्टिंग वाली न्यू स्कीम जो 22-23 तक एप्लीकेबल है, चाहे रिवाइज न्यू स्कीम जो अब वित्त वर्ष 23-24 से लागू होगी, आपको सर 80 TTB नहीं मिलेगा। ये क्लैरिटी आई होप आपके काम की रहेगी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि अनुप जी ये बताइए 10 लाख पर 87A की छूट 25,000 नहीं मिलेगी क्या? अभी के लिए तो मेरा आंसर है सर कि 10 लाख की जो अगर किसी की इनकम हो गई तो उसे 87A की 25,000 की छूट नहीं मिलेगी। पर क्यों नहीं मिलेगी इस बात का लॉजिक मैं आगे आपको देता हूं। मैं अब अपनी बात रख रहा हूं दोस्तों सेक्शन 87A से, कि आपको 87A की एक छोटी सी रीडिंग कराता हूं कि सेक्शन क्या बोलता है, जरा समझे तो सही। एन एसएससी बीइंग एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 500,000 रुपीज, यानी 5 लाख रुपए से ज्यादा जिस इंडिविजुअल की इनकम नहीं है और जो रेजिडेंट है, ही शैल बी एंटाइटल टू अ डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज टोटल इनकम विद विच ही इज चार्जेबल फॉर एनी असेसमेंट ईयर ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 100% ऑफ सच इनकम टैक्स और एन अमाउंट ऑफ 12,500 रुपीज विच एवर इज लेस। तो सर इशू क्या है कि आपको 12,500 रुपए की रिबेट अब तक मिल रही थी वित्त वर्ष 22-23 तक, ठीक है, प्रोवाइडेड आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं थी, चाहे आप न्यू रिजीम में थे या आप ओल्ड रिजीम में थे। अब देखिए जरा ध्यान से, ये अमेंडमेंट वाला पोर्शन है। इन सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। क्या प्रोविजो आ रहा है इसके नीचे जो लागू होगा 1 अप्रैल 2024 असेसमेंट ईयर यानी वित्त वर्ष 23, प्रोवाइडेड दैट वेयर इनकम टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इज कंप्यूटेड अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ 115 BAC। अभी आपको बताया था सबसेक्शन 1A नई टेबल है। दिस सेक्शन शैल हैव इफेक्ट, यानी 87A की रिबेट का क्या इफेक्ट होगा? फॉर द वर्ड 500,000 रुपीज द वर्ड 700,000 रुपीज विल बी रिप्लेस, यानी 5 लाख की जगह 7 लाख। लेकिन दोस्तों 5 लाख की जगह 7 लाख कब करना है? जब बंदा न्यू रिजीम के अंदर अपना टैक्सेशन लेगा, यानी अगर ओल्ड रिजीम में लेगा तो फिर अमाउंट कितना है? 5 लाख ही है टोटल इनकम का। फॉर द वर्ड 12,500 रुपीज द वर्ड 25,000 रुपीज हैड बीन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए सर? 5 लाख की जगह 7 लाख न्यू रिजीम में, और आपको अगर 7 लाख तक की टोटल इनकम है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको कितने की रिबेट मिल जाएगी? 25,000। इससे बात बड़ी क्लियर हो गई कि जिसकी 10 लाख की टोटल इनकम होगी न्यू रिजीम में अंडर द रिवाइज स्कीम, उसको कतई 87A की 25,000 की रिबेट नहीं मिलेगी। सो आई होप ये क्लैरिटी अब आपके काम की निश्चित रूप से रहेगी। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया दोस्तों सुमित पटेल भाई की ओर से। दिस न्यू रूल एप्लीकेबल टू करंट फाइनेंशियल ईयर मींस 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2022 फॉर ITR फाइलिंग? नो सुनील भाई, सुमित भाई, दिस विल बी एप्लीकेबल इफेक्टिव फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शुभम जोशी जी का। सर न्यू टैक्स रिजीम में जो रिटायरमेंट में पैसा मिलता है, ग्रेच्युटी लीव एनकैशमेंट का डिडक्शन मिलेगा ITR में? बिल्कुल सर, मैंने अभी आपके सामने लॉ पढ़ा था सर, सेक्शन 10 के कुछ क्लॉजेज मना किए गए हैं, तो ग्रेच्युटी लीव एनकैशमेंट के क्लॉजेज उन एक्सक्लूजन के क्लॉजेज में नहीं है। तो मेरी ओपिनियन में आप चाहे न्यू रिजीम में जाए
तो भी आपको सेक्शन 10, 10AA, 10, 11 वगैरह की एग्जम्पशन मिलती रहेगी। एक क्वेश्चन आया दोस्तों मयूर वोरा जी की ओर से, कैन सीनियर सिटीजन चेंजेस द ऑप्शन एवरी ईयर, कि क्या एक सीनियर सिटीजन हर साल ऑप्शन चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल दोस्तों, जो बात ध्यान रखनी है आपको क्या कि रिवाइज न्यू स्कीम जो आ रही है वो ये कह रही है कि बाय डिफॉल्ट आप न्यू स्कीम में हो। अगर आप ऑप्शन क्लेम करते हो तो आप ओल्ड स्कीम में जाओगे। ऑप्शन कैसे क्लेम करना है? अगेन 139(1) के अंदर अंदर आपको क्लेम करना है, अगर आप सैलरीड पेड हैं, पेंशनर हैं तो। जो व्यक्ति क्लेम करना चाहता है कि नहीं मुझे ओल्ड स्कीम में जाना है, तो उनको टाइमली रिटर्न भर के ऑप्शन भर देना है, देन सच पर्सन वुड बी इनटू द ओल्ड स्कीम, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट यू विल बी इनटू न्यू स्कीम। पर ये ऑप्शन हर साल के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चूज कर सकते हैं यदि आप बिजनेसमैन नहीं है तो। क्वेश्चन आया पलक जी का, स्टैंडर्ड डिडक्शन इज 52,500 नॉट 50,000 एंड दैट टू फॉर इनकम ऑफ 15,50,000 एंड अबव अंडर न्यू रिजीम। मैंने अभी पलक जी लॉजिक आपके सामने रखा कि सबसेक्शन वन जब स्लैब लगेगा उसमें सबसेक्शन टू चलेगा, तो सबसेक्शन टू में बोला सेक्शन 16 के क्लॉज 2 और क्लॉज 3 नहीं मिलेंगे, तो क्लॉज 1 है जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, मेरी ओपिनियन में वो मिलना चाहिए, उसका लॉजिक भी मैंने रखा। हाँ 1550 से ऊपर ये अमाउंट 52,500 हो जाएगी, इसकी मुझे ऑथेंटिक लॉ में क्या इंसर्शन होगा? ना तो सेक्शन 16 में मिला ना 115 BAC में मिला, तो गवर्नमेंट जैसे ही क्लियर करेगी मैं आपकी क्लैरिटी के लिए पुनः हाजिर हो जाऊंगा। दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों 87A पे आए मेरे पास में। सर इस सेक्शन 87A इज एप्लीकेबल फॉर ओल्ड टैक्स स्कीम ऑल्सो? बिल्कुल सर, इसका उत्तर हाँ है। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो अभी भी ओल्ड स्कीम में आपको 87A की रिबेट 12,500 की मिलती रहेगी। सर इन दिस 87A एग्जम्पशन विल ऑल्सो बी अप्लाइड फॉर बोथ केसेस? बिल्कुल सर, आपको दोनों जगह 87A मिलेगी। वित्त वर्ष अगर मैं 23-24 की बात करूं, ओल्ड स्कीम में आपको 12,500 सब्जेक्ट टू टोटल इनकम बीन 5 लाख और लेस, और न्यू स्कीम में अगर आप चाहेंगे तो आपको 25,000 रुपए की 87A की रिबेट मिलेगी, प्रोवाइडेड आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपए या उससे कम है। तो ये क्लैरिटी आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी। अब क्वेश्चन आया सीनियर सिटीजन की एफडी के ब्याज पर जो 50,000 रुपए थी उसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए, उस छूट का क्या हुआ? और दोस्तों एक क्वेश्चन आया ATTTB फॉर सीनियर सिटीजन एग्जम्पशन अलाउड और नॉट इन न्यू टैक्स रिजीम। बिल्कुल सर, मैं सीनियर सिटीजन का कंसर्न समझता हूं। अगर एज अ सीनियर सिटीजन अगर आप रिवाइज न्यू स्कीम में जाते हैं तो सर मेरा आपसे हम्बल सबमिशन ये है कि आपको ATTTB के जो 50,000 रुपए का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। क्यों? इसका लॉजिक मैं आपको पहले दे चुका सर कि ATTTB का डिडक्शन का प्रावधान ही नहीं है न्यू रिजीम की इनकम में से। तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एक और ओल्ड स्कीम में मैं ATTTB लूं एज अ सीनियर सिटीजन, एक और न्यू स्कीम में मैं विदाउट ATTTB जाऊं, तो जहां मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा वो टैक्सेशन में ऑफर करूंगा। अब दोस्तों बात करता हूं आपसे, व्हाट इज द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन इन न्यू टैक्स स्कीम ऑफ इनकम टैक्स, काइंडली रिप्लाई। तो गिरिजी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ऐसा देता हूं कि जरा ध्यान से समझिए सर कि सीनियर सिटीजन को जो एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की जगह 3 लाख की मिलती है, ठीक है? अब अगर वो सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन है तो उनको 5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलती है। अगर सीनियर सिटीजन चूज करते हैं कि नहीं अनूप जी मेरे को तो न्यू रिजीम में जाना है, तो न्यू रिजीम में आप जाते हो तो आपके लिए 3 लाख रुपए की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होगी जो बाकी सबके लिए होती है। यानी सीनियर सिटीजन को न्यू रिजीम में जाने पर एक्स्ट्रा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का छूट नहीं मिलेगा। सो आई होप ये क्लैरिटी काम की रहेगी। आदर्श जैन जी का क्वेश्चन है, सर होम लोन इंटरेस्ट इज अलाउड अंडर सेक्शन 24B अंडर न्यू रिजीम। आदर्श जी मेरा साफ कहना है अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको केवल 2 लाख रुपए का जो डिडक्शन मिलता था वो न्यू रिजीम में जाने पे नहीं मिलेगा, ओल्ड रिजीम में मिलेगा। और अगर आपकी रेंटेड प्रॉपर्टी आदर्श जी, तो देन इन दैट केस न्यू रिजीम में भी आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन मिलेगा अगेंस्ट योर रेंटल इनकम, और वहां फिर कोई लिमिट नहीं है। केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आज की डेट में किसी दूसरे हेड से 2 लाख से ज्यादा के क्वांटम का एडजस्ट नहीं हो सकता। अंत में दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के थ्रू न्यू स्लैब रेट में जो
प्रपोज चेंजेस हैं उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस के आंसर मैं यहां पर दे पाया हूंगा, और मैंने कोशिश की कि मैं लॉजिक के साथ अपनी बात आपके समक्ष रखूं। फिर भी दोस्तों, यदि मेरी इंटरप्रिटेशन कहीं गलत रही, क्योंकि सरकार मुझे अगर कुछ क्लैरिफिकेशन देती है या मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन पढ़ने को मिलता है जो और स्ट्रांग होता है, जो मुझे मजबूर करे कि मैं अपनी ओपिनियन चेंज करूं, तो मैं अपने आप की गलती सुधारने में कतई देर नहीं लगाऊंगा और आपके समक्ष पुनः हाजिर हूंगा। लेकिन अभी तक के डिस्कशन पर यह बात मैं श्योरली कह सकता हूं, श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि मैं जो लॉजिक आपके समक्ष रख रहा हूं वो लॉजिक आज जो प्रस्तावित लॉ है उसको पढ़ने के बाद ही मैंने डेवलप किया है। सो आई होप दिस वीडियो वुड हैव बीन यूजफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू स्पेशली फॉर योर सपोर्ट। जय हिंद।